Let's improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video.

इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है वो तो है ही बदतमीज जब भी हम ऐसे कहते हैं ना इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है इसमें कुछ नया नहीं है हम कह सकते हैं नो वंडर ही इज इंसलेंट नो वंडर ही इज इंसलेंट इसमें कोई शक नहीं है मतलब इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं इसमें सरप्राइज क्या होना है नो वंडर ही इज इंसलेंट इंसलेंट की जगह हम क्या बोल सकते हैं किसी को मैनरलेस बदतमीज यानी कि इंसलेंट मैनरलेस इल इलमेनर इम्पलाइट

इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है खुश तो वो है ही नो वर ही गुस्सा तो वो है ही अब भोले बनने की कोशिश मत करो भोले बनने की कोशिश मत करो हम कह सकते हैं डोंट ट्राई टू एक्ट इनोसेंट नाउ डोंट ट्राई टू एक्ट इनोसेंट नाउ एक्ट इन दिस केस मींस टू प्रिटेंड बाय योर बिहेवियर टू बी ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन ज्यादा बेवकूफ होने का नाटक मत करो डोंट एक्ट डम डोंट एक्ट स्टूपिड नाउ don't act dumb or stupid now dumb is a person who is a little foolish who doesn't know how to do something dumb is also used for a person who can't speak so he's dumb but dumb is also used for a person who is kind of foolish who is not smart enough don't act dumb or don't act stupid now मुझे कामचोर लोगों से सख्त नफरत है कामचोर इसके लिए इंग्लिश में क्या कह सकते हैं आई हेट स्लैकर्स आई हेट स्लैकर्स हेट की जगह पर आप डिस्पाइज या डिटेस्ट भी बोल सकते हैं आई डिस्पाइज स्लैकर्स आई डिटेस्ट स्लैकर्स मतलब मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूं स्लैकर्स से दीज आर कॉमन वर्ड्स इन स्पीकिंग एज वेल आई हेट और आई डिस्पाइज आई डिटेस्ट स्लैकर्स और स्लैकर्स की जगह आप कह सकते हैं लोफर्स आई हेट लोफर्स आई हेट आइडलर्स आई हेट आइडलर्स आई हेट शर्कर्सर्स आर ऑल्सो दीपल हु डोंट टू वर्क Who shy away from work, who want to avoid working all the time, ya isko or informally lazy bones speak as I hate lazy bones, lazy bones this term is used for the people who don't want to work, who always want to waste their time, who always want to hang out with their friends, they don't want to work, they are lazy bones, they are lazy, they are not active at all. Aise दो दो हाथ करना चाहता है क्या मुझसे में इसका मीनिंग है कि मुझसे भिड़ना है क्या लड़ेगा क्या मुझसे शॉर्ट में इतना भी बोल देते हैं piece of me? Piece of me? इस तरह से इसका मतलब है डू यू वॉन्ट विद मी डू यू want टू फाइट विद मी मैंने काफी बार लोगों को ये मूवीज में बोलते हुए सुना है इसका मतलब लड़ेगा क्या मुझसे भिड़ेगा मुझसे आजा फिर

इसका मतलब ये निकलता है तो हम ऐसे कह सकते हैं आई गेट अगर आपको कुछ बोला और आप कह रहे हो हाँ अक्सर लोग मुझसे ऐसा कहते हैं मैं अक्सर ऐसा सुनता हूं। आप बोल सकते हैं आई आई गेट गेट मुझे बर्तन धोने में मत घसीटो मुझे मत यहाँ पर बर्तन धोने में लगाओ उसने मुझे अपने साथ कपड़े धोने में लगा लिया किसी को परसवेट कर लेना कुछ करने के लिए उसको भी किसी काम में लगा लेना उसको भी ज्वाइन करवा लेना इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट रोप मी इं टू वॉशिंग द डिश डोंट रोप मी इं टू वॉशिंग द डिश मुझे इनमें मत लगाओ मुझे मत पर स्वेट करो बर्तन धोने के लिए ही रोप मी इंटू वाशिंग द क्लोथ्स ही रोप मी इंटू वाशिंग द क्लोथ्स कपड़े धोने में उसने मुझे लगा लिया मतलब मुझे कन्वेंस कर लिया मुझे परसवेट कर लिया कपड़े धुलवा लिए मुझसे मैं मजबूर हो जाता हूँ उन्हें धमकाने के लिए मैं धमकाना नहीं चाहता हूँ मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो मजबूर ऐसी बातों के लिए हम क्या बोल सकते हैं आई एम कम्पेल्ड और आई एम फोर्स दम ऑफ टेल समेम आई एम फोर्स टू टेल दिन मैं मजबूर हो जाता हूँ मजबूरी हो जाती है और मुझे उन्हें धमकाना ही पड़ता है वैसे ही अगर कहना है मुझे वहां जाने पर मजबूर मत करो डोंट कंपेल मीट गोदियर और डोंट फोर्स मीट गोद डोंट कंपेल मी ट गोदेयर डोंट मेक मी गोदेयर देर आर मल्टीपल वेस्ट से द सेम थिंग मुझे सारा प्लान तो समझाओ क्या है उसे समझा दो क्या करना है और क्या नहीं समझाना इंग्लिश में एक्सप्लेन कहते हैं लेकिन एक बेटर तरीका इसे बोलने का वॉक मी थ्रू द प्लान वॉक मी थ्रू द प्लान इफ यू वॉक सम वन थ्रू समथिंग इट मीनस यू एक्सप्लेन सम थिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग उसे समझा दो क्या करना है और क्या नहीं वॉक हिम थ्रू ऑल द डूज एंड डोंट्स डूज एंड डोंट्स मतलब क्या करना है और क्या नहीं उन सब से उसको वाकिफ करा दो उसे समझा दो वॉक हेम थ्रू ऑल गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला मेरे पास से गुजर गया वो चोरी छिपे कह सकते हैं स्निक्ड पास्ट मी ही पास्ट मी स्नीक का मतलब होता चोरी छुपके चोरी छिपे कहीं चले जाना स्नीक करना अब फ्रेंड स्नीक की बात हो ही रही है तो इसके कुछ कोलोकेशन आप देखिए स्नीक अप ऑन समवन if you sneak up on someone it means you quietly go towards that person and you try to scare them off so you sneak up on them we have a phrase sneak on someone to someone if you sneak on someone to someone it means you complain about them for example he sneaked on me to the teacher matlab usli the teacher se kar di. Kuch galti ki thi uske mein mere teacher gopitali he sneaked on me to the teacher another phrase sneak off

स्नेच का मतलब कोई चीज चुरा लेना भी होता है इस सेंस को देखिए पता नहीं मेरा चार्जर किसने उठा लिया मतलब कोई छोटी मोटी चीज कोई उठा ले जाता है मतलब चोरी कर ले जाता है उसके लिए भी हम स्नेच बोल सकते हैं आई डोंट नो हु माय चार्जर आई डोंट नो हु माय चार्जर यहाँ पर आप वंडर भी बोल सकते हैं आई वंडर हुईर माय चार्जर आई डोंट नो हु माय चार्जर जगह पर आप कह सकते हैं आई डोंट नो माय चार्जर माय चार्जर इन सब का मतलब होता है कोई चीज चुरा लेना कुछ तो गड़बड़ है समथिंग इज ऑफ जी हाँ फ्रेंड्स ऑफ का यूज एज एन एडजेक्टिव ये भी होता है वैसे तो हम इसका यूज ज्यादातर प्रेपोजिशन की तरह करते हैं लेकिन एडजेक्टिव की तरह भी हम कर सकते हैं कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो प्रॉब्लम है कुछ तो अनयूजुअल है समथिंग इज ऑफ हम कह सकते हैं समथिंग इज रॉन्ग समथिंग इज रॉन्ग और समथिंग इज फिशी समथिंग इज फिशी ये दूध तो खराब है कोई खाने की चीज पीने की चीज जब वो खराब है उसके लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं कॉमनली दिस मिल्क इज ऑफ दिस मिल्क इज ऑफ जैसे कहना है वो मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता है मतलब मुझसे उदास रहता है अपसेट रहता है ही इज ऑलवेज ऑफ विद मी ही इज ऑलवेज ऑफ विद मी तो इस तरह से भी हम ऑफ का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सो so फ्रेंड्स बात करते हैं हम अगले वीडियो लेसन में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना टेक केयर एंड बाय